आज्ञा चक्र ब्लॉक क्यों रहता है, आज्ञा चक्र ब्लॉक क्यों नहीं होता है, और किन किन कारणों से हम आज्ञा चक्र से आगे जो हमारा सहस्रार है उस तक पहुंच ही नहीं पाते। नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज का वीडियो ध्यान साधकों के लिए, कोई भी प्रकार की साधना कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज्ञा चक्र ब्लॉक क्यों रहता है, आज्ञा चक्र ब्लॉक क्यों नहीं होता है, और किन किन कारणों से हम आज्ञा चक्र से आगे जो हमारा सहस्रार है उस तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ध्यान कैसे करें, कौन सी साधना करें, ये जानने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि क्या क्या चीज़ें हम ना करें कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रुकावट हमारे मेडिटेशन के मार्ग में आती है। तो एक वर्ड है मैच्योरिटी। बचपन से ही आपको सिखाना शुरू कर देते हैं कि मैच्योरिटी आनी चाहिए, समझदारी आनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हर चीज़ की पढ़ाई लिखाई, समझदारी, कैसे बात करनी है, कैसे आचरण करना है, अपने से सभ्य लोगों में कैसे बैठना है। अब सभ्य लोग कौन से होते हैं? सभ्य लोग वो होते हैं जो जितना ज़्यादा दिखावा कर लेते हैं वो सबसे ज़्यादा सभ्य लोग होते हैं, क्योंकि इंसान अपने आप को स्वीकार नहीं पाता। इंसान एक सोशल एनिमल है, सबको पता है, मगर जब वो एनिमल कोई गलती करता है तो उसको फांसी दे दी जाती है। तो ये भी इस समाज का एक लॉ है। विपरीतता में अगर आप देखोगे तो जो जानवर होते हैं वो तो खुले एनिमल हैं। इंसान एक सोशल एनिमल है, पर जो एक्चुअल में एनिमल हैं वो एक नेचर के साथ, अपनी प्राकृतिक स्वाभाविकता के साथ अपना जीवन को जीते हैं, और वो भी परमात्मा ने पैदा किए हैं, और इंसान भी परमात्मा से पैदा हुआ है। उनके पास भी आँखें हैं, नाक है, मुँह है, कान है, जीभ है, सेक्सुअल पार्ट्स हैं, उनके पास भी बाल हैं, स्किन है, त्वचा है, उनके अंदर भी खून दौड़ता है ना। हर प्रकार के जीवों में आत्मा है, प्राण ऊर्जा है, और जीवन में जो भी पाने के लिए वो जी रहे हैं जीव, वो जीने की एक लालसा है, एक अभिप्सा है, एक अतृप्त प्यास है जो बार बार आपको संसार में गिराती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को कि जो व्यक्ति बुरे रास्तों पर चलता रहता है, अधर्म करता रहता है, और केवल अपनी इंद्रियों के भोगों में ही व्यस्त रहता है, और जो कभी भी योग मार्ग को नहीं समझता, सच्चे ज्ञान को नहीं समझता, ये सारी माया मेरे ही परायण कार्य करती है, इसको भीतर से जान नहीं लेता, उसको मैं बार बार, उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को मैं बार बार जो है संसार में गिराता रहता हूँ। तो वहाँ पर ये बहुत लंबा विषय है, कभी इसके बारे में भी बताएंगे कि भगवान कृष्ण ही क्यों गिराते हैं, और वो अपने आप ही गिरता है या भगवान कृष्ण गिराते हैं। भगवान कृष्ण को कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे कि वो तुम्हें सजा देंगे या तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो मैच्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। मैच्योरिटी एक्चुअल में क्या है? जो हमने अपने समाज से प्राप्त की है वो मैच्योरिटी है, हम उसको मैच्योरिटी मानते हैं। आपको, आपने एक कन्या को देखा, किसी लड़की को देखा, आपके मन में एक भाव आया कि बहुत सुंदर है, और आपने अपने उस भाव को दमित कर लिया। आपको ये परमिशन ही नहीं है कि आप उसको जाके कह तक सको कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अगर आपने इतनी बात बोल दी तो आपको सजा हो जाएगी, कहीं तो आपको गला काट डालेंगे, कहीं तो आपके हाथ पैर काट देंगे इस बात पर। तो ये हमने समाज की व्यवस्था की एक्चुअल में। ओशो ने इस पर बहुत ज़्यादा खुलकर बोला कि थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, पर अमेरिका तो ओपन है, फिर अमेरिका में भी कहाँ सभ्यता आई, वहाँ पर भी वो सभ्यता नहीं, कि नेचर पूरी तरह से इंसान ने अपना एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। ये पहली बात है, अब इसको बदलना असंभव है। अब इंसान अपनी मूल प्रकृति पे वापस चला जाए, जंगलों में पेड़ पौधों में रहने लग जाए, अब ये एक कल्पना कपोल रह जाएगी, इसमें होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब इंसान के जो संसार है वो अंत की ओर जा चुका है। और जो भी यहाँ सोच रहा है कि मैं यहाँ सदा के लिए रहने वाला हूँ, या मेरे द्वारा कोई बनाई हुई विचारधारा, या मेरे द्वारा रचाई हुई कोई धर्म,
या मेरे द्वारा रचाया हुआ कोई भी खेल मेरे बाद भी यहाँ चलता रहेगा, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि प्रकृति जो है वो एक नियम पे चलती है, और प्रकृति के नियम जब टूटने शुरू होते हैं तो प्रकृति इंसान को ही तोड़ करके खत्म कर देती है। आज आप देख रहे हो हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने कोई बहुत बड़ी विषम प्राकृतिक आपदा आ रही है। अभी जो लिम्पी बीमारी आपने देखी गायों के अंदर, कितनी बुरी तरह से गायों की दर्दनाक मौत हुई। अब आप सोचो कि ये इससे भी कोई और ज्यादा खतरनाक बीमारी अगर इंसानों में आ गई तो इंसानों का बीज नष्ट होने में कितना समय लगेगा, और प्रकृति का भी नष्ट नहीं होगी। इंसान मरते रहेंगे, जानवर मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, पूरी की पूरी जो इनकी जो दुनिया लाखों से चली आ रही है सालों से, पूरी की पूरी एक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। कितनी परंपराएं इस संसार में पैदा हुई और नष्ट हो गई, खत्म हो गई। कितने रिलीजन आज से अरबों साल पहले बने होंगे जो खत्म हो गए, पर इंसान चलते रहे। हम में से ही कोई इंसान अपनी विचारधारा बदल कर लेता है, और बदलता है तो फिर एक और नया रिलीजन खड़ा हो जाता है। अब आने वाले समय में भगवान बुद्ध को आपने देखा कि कितनी तेजी से प्रचलित हुए। भारत में कितने दलित लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर सत्य पाया, धर्म का सत्य पाया। हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा सत्य पाया। और सत्य अगर अधूरा हो तो वो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे इंसान के अंदर जो है एक स्वाभाविक एक ऐसी लालसा है, वो ये चाहता है कि जहां मैं चलता हूं सब मेरे पीछे चले। कोई अलग जा रहा है तो उसको और दूसरों को बताने का फिर खेल सिलसिला शुरू होता है कि मैं ये कर रहा हूं, तुम भी सारे मेरे हिसाब से चलो, ये ज्यादा बढ़िया रास्ता है। तो यहां पर इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, और वो अपने रास्ते को श्रेष्ठ मानता है, और दूसरे का जब सम्मान नहीं करता तो वहां पर एक द्वंद शुरू होता है प्रकृति के अंदर। और ये जो द्वंद होता है यही विनाश का कारक बनता है, उसमें दोनों ही मारे जाते हैं। कहते हैं एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, जब हजारों लाखों शेर होंगे तो वो कैसे रह पाएंगे, वो तो सब एक दूसरे को मार काट के खा जाएंगे। कभी किसी का दाव चलेगा तो कभी किसी का दाव चलेगा, ये तो घटना चलती रहेगी। आज जो धर्म की लड़ाई है, आने वाले समय में जब कोई एक धर्म जीत जाएगा, छोटे 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 सारे धर्म जब समाप्त हो जाएंगे, जो कमजोर धर्म है वो समाप्त हो जाएंगे, शक्तिशाली हथियारों के दम पर कोई धर्म जीत भी जाएगा, तो फिर वहां पर जर जोर और जमीन की लड़ाई शुरू होगी। फिर वो भी कोई जीत लेगा तो फिर अनाज और पानी की लड़ाई होगी, वो भी कोई जीत जाएगा तो फिर रक्त की लड़ाई होगी, उसके बाद भी अगर कोई जीत जाएगा तो फिर रहने के लिए छोटी सी जमीन की एक कमरे के लिए लड़ाई होगी। क्योंकि इंसान की आबादी निरंतर बढ़ती चली जाएगी, इंसान की आबादी कभी नहीं रुकेगी, और धरती पे किसी भी जीव की आबादी कभी नहीं रुकेगी। हर जीव बढ़ता चला जाएगा, या तो इंसान उनको खा जाए या वो जीव इंसान को खा जाए, तो वो सर्वाइव करेगा। और जब प्रलय काल आती है तो विज्ञान इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि प्रलय आती ही आती है। विज्ञान ने हमारे धर्म की, सनातन धर्म की एक ही बात को एक्सेप्ट करके रखा है कि यस, दुनिया एक दिन समाप्त होगी, और सूर्य की भी उम्र है, ये विज्ञान भी मानता है, और हमारे शास्त्रों ने तो लाखों साल पहले ये बात कह दी। तो हर चीज समाप्त होनी है। इस सब के अंदर हम अपने आप को कैसे चला रहे हैं ये हमारी मैच्योरिटी तय करेगी। अब हमारी मैच्योरिटी किसको मैच्योरिटी मान के बैठे हम लोग? हमने मैच्योरिटी शब्द जो रखा कि हम समझदार हैं, किस चीज को हमने समझ मानी? अपनी आत्मा की हत्या कर देना, अपने जज्बातों की हत्या कर देना, अपनी फीलिंग्स को मार करके दूसरे नकली समाज के अंदर एक दूसरे को प्रसन्न रखने के लिए, दूसरे को यूज करने के लिए, दूसरे से कुछ प्राप्त करने के लिए हम अपनी आत्मा को जब मार देते हैं, अपनी उस निर्मलता को जो हमारे अंदर एक छोटा सा हंसता खेलता बच्चा है, जो बचपन हमें परमात्मा ने दे के पैदा किया था। जब आप एक छोटे से बच्चे को देखोगे ना, एक साल के बच्चे को आप देखोगे, उसकी मुस्कान देखो, वो कैसे खेलता है, वो किसी से प्यार करता है, किसी से झगड़ा करता है, तो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए करता है। उसे पता नहीं है कि क्या भला है क्या बुरा है। कभी वो मजाक में बिजली की तार को भी छू देता है, गलती से सीढ़ियों से गिर जाता है, चोट खा लेता है। सीख सीख के समझता है, वो प्रौढ़ता है, उसके अंदर समझ आती है, उसको समझ कहते हैं। उसको मैच्योरिटी शब्द नहीं कहेंगे। मैच्योरिटी एक अंग्रेजी का शब्द है और बहुत बड़ा नकारात्मक शब्द है वो मेरी शब्दकोश के अंदर, क्योंकि मैच्योरिटी हम जो पढ़ा रहे हैं अपने समाज को, वो ये मैच्योरिटी समझा रहे हैं कि
कि जो दुनिया चाहती है वैसा जियो, जो तुम्हारा समाज चाहता है वैसा तुम जियो। और इसके कारण हमारी आत्मा मर रही है, हमारी असल जो अंतर की हमारी जो खुशी है, जो हमारा जीवन है, उसकी मृत्यु हो रही है। हर व्यक्ति से पूछ लो, कोई भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि तू कैसा जीना चाहता था, क्या तू वैसा जी रहा है, क्या सच में जहां तू काम कर रहा है, तू बिजनेस कर रहा है या तू जॉब कर रहा है, क्या तू सच में यही जीना चाहता था। एक भी व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ सच में मैं यही करना चाहता था और मैं ये कर रहा हूँ। आप किसी बड़े से बड़े एक्टर से पूछ लो, डायरेक्टर से पूछ लो, किसी प्रधानमंत्री से पूछ लो, वो भी कहेगा मैं ये नहीं करना चाह रहा था पर मेरे को करना पड़ गया, मेरी मजबूरी थी मैंने कर लिया। मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे ये नहीं पता, मेरा आनंद है इसमें या नहीं है, मेरी अंदर से खुशी भी आ रही है या नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमको समाज के हिसाब से हमने अपने आप को डाइजेस्ट कर लिया है, इस बात को मान लिया है कि हमें ऐसे जीना है। अब उसमें हमारी आत्मा का कितना भी गला घुट जाए हम उसकी परवाह नहीं करते, बड़े बड़े त्याग करते हैं। आजकल जो प्रेमी जोड़े होते हैं उन लोगों के परिवारों के अंदर मर्सी किलिंग्स होती है, ऑनर किलिंग्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस धर्म के बच्चे ने उस धर्म के बच्चे को प्यार कैसे कर लिया? क्या सिर्फ भगवान को मानने का जो एक नाम हमने रखा है, सिर्फ क्या इस चीज का अंतर किसी की हत्या कर देने के लिए काफी है? और आप सोचो पूरी दुनिया में ये कब आप लोग करेंगे, या आप मैच्योर लोग करेंगे, या आप समझदार लोग करेंगे, जिसको धर्म का इतना ज्ञान है, जिसको सत्य का इतना ज्ञान है। आपको तो अपने शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, आप तो अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, अपने मालिक को सब कुछ जानते हो कि उन्होंने किस तरह प्रेम की परिभाषा दी है आप लोगों को। और आप लोग प्रेम के नाम पर एक दूसरे की हत्या कर देते हो। अभी कल ही मैंने देखा कि मेरठ में एक बच्चे की हत्या कर दी, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया क्योंकि उसने दूसरे संप्रदाय की बेटी से प्यार कर लिया। कितना बड़ा अपराध जघन्य कर देते हैं वो मैच्योर लोग, वो ये नहीं सोचते कि वो भी किसी का बेटा होगा, वो भी किसी की बच्ची होगी। और ये मैच्योरिटी हमारा समाज में सिखा रहा। और आप पूरे समाज को नहीं बदल सकते, आप केवल अपने आप को बदल सकते हो। ध्यान में भी, साधना में भी कुछ अगर प्राप्त करना है तो पहले अपने भीतर के जो द्वार बंद है ना, ये आज्ञा चक्र जो है ना, और हमारा जो अनाह चक्र है, ये दो ऐसे चक्र होते हैं, जब हमारे बीच में इतना सा वृत्ति का भी द्वंद्व होता है ना, तो ये बंद हो जाते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, ये सत्य के साथ खुलते हैं, ये एक्सेप्टेंस से खुलते हैं, जो जीवन है ये खुशी से खुलते हैं, ये दुख में बंद हो जाते हैं। इनकी गलती है, इनका कसूर ये है, अगर इनको दुख मिलेगा तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे, आपका अनाह चक्र भी और आपका आज्ञा चक्र भी। अब आप जब किसी की हत्या कर रहे हो तो आप ये सोच के चलो कि आपके अंदर के जो चक्र हैं, जो परमात्मा ने आपके अंदर बख्शे हैं, हर धर्म के व्यक्ति के अंदर बराबर चक्र हैं, सात चक्र हर व्यक्ति के अंदर हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसकी आत्मा तो एक जैसी है। खून के ब्लड ग्रुप तक अलग हो सकते हैं, पर जो तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठी है ना, जो तुम्हारे अंदर ईश्वर बैठा है, वो एक ही बैठा है, जो सबको देखने का जो एक तत्व है, जो हर जीव के अंदर, जिसको दर्द होता है, जिसको प्रेम होता है, जिसको खुशी होती है, जिसको नफरत होती है, जिसको घृणा होती है, वो सब के अंदर एक जैसी है। हर व्यक्ति की जो टीचिंग है उसको थोड़ा सा वो ज्यादा क्रोधी बना सकती है या थोड़ा सा शांत बना सकती है, और बस इतना ही फर्क है। ये जो आप धर्म की आज लड़ाई देख रहे हो, उसका कारण सिर्फ इतना है कि एक धर्म किसी को क्रूरता की तरफ ले जा रहा है और एक धर्म आपको शांति सिखा रहा है। तो जो शांति सिखा रहा है वो मारा जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और क्रूरता करना भी क्या सच्चाई है? शांति के मार्ग में समाप्त हो जाना भी मेरे हिसाब से वो अच्छा है, ऐसा धर्म समाप्त ही हो जाए। वो जो जितनी चेतनाएं उस धर्म के अनुसरण करते हुए जिएंगी संसार में, कम से कम वह शांत होकर के परम सदगति को, मोक्ष को प्राप्त करेगी। और जो क्रूरता वाली चेतनाएं होंगी वो इस संसार में अरबों समय का, अरबों काल तक का समय, अरबों लाखों साल तक का वो समय जो है, वो क्रूरता जैसी, नरक जैसी जीवन यातना भोगने के लिए वो आत्माएं प्रशस्त होंगी, और उनको अरबों लाखों सालों तक इसी संसार में दुखद कष्ट भोगने पड़ेंगे। और जो शांत होकर के शांति भाव से समाप्त होगा, अपने शरीर को छोड़कर के त्याग करेगा, वही केवल अपने परम रूप को सिधारेगा। परम रूप का मतलब, अब इस शब्द को भी मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा, परम धाम कहना गलत है, परम रूप को स्वीकारेगा। परम रूप पा लेना ही वास्तविकता में चेतन की सबसे बड़ी सच्चाई है।
और ऊपर कोई परम धाम नहीं है जहां पे तुम्हें जाना है। जहां हो यहीं पर ही रहना होगा, मरने की जिस जगह जिस पॉइंट पर तुम मरोगे उसी जगह से होकर के जागृत हो सकते हो, वहां से कहीं ट्रैवल करके तुम कहीं नहीं जाओगे। आत्मा स्थिर है, स्थिर अविनाशी है, आत्मा चलायमान नहीं, ये जगत की ऊर्जा चलायमान है, पर जो परमात्मा और आत्मा जो बात है ये कभी भी चलायमान नहीं। मैच्योरिटी अपने आप को मार करके, अपने अंदर के छोटे से बच्चे को मार करके अगर हम मैच्योर बन गए, अपनी आत्मा की प्रसन्नता को मार दिया केवल इस संसार के नियम पालन करने के लिए, तो दैट इज ओनली योर ओन डेथ, मैच्योरिटी नहीं, वो आपकी खुशी की, आपकी अपनी आत्मा की मृत्यु है। तो क्या पाकर के जाना है ये हमें स्वयं चुनाव करना होगा, खुद जागना होगा और दूसरों को जगाना होगा, क्योंकि जब तक पूरा समाज खुशी के लिए तैयार नहीं होगा, एक साथ जब कोई ईद और दिवाली नहीं मनाएगा, एक साथ जब एक दूसरे के साथ जब प्रणय संबंधों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा मान करके उन्हें खुशी नहीं दी जाएगी, तो तब तक जो है ये हत्याओं का सिलसिला चलता रहेगा, लोग पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे और धर्म का कुछ बिगड़ेगा नहीं, धर्म अंत में समाप्त हो जाएगा, धर्म एक रूखा सा फल रह जाएगा जिसको ना खाने में स्वाद आएगा ना कुछ होगा, वो नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। जो सच्चाई है उस जिस चीज के लिए धर्म की शुरुआत की गई थी, ये सदग्रंथ बनाए गए थे, जो चीज वो देना चाहते थे आप लोगों को, वही चीज ही अगर मिस हो जाए, अगर आप लोग अपनी अंतरात्मा से पूछो, जितने भी हो, मैं किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं प्रत्येक रिलीजन की बात कर रहा हूं, आप सभी अपनी अंतरात्मा से पूछें, आप जितने बड़े बड़े मौलवी या पंडित या कोई किसी भी उसमें है, जो भी अपने किसी भी भाव से अपने परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कोई नित्य हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई भगवान शिव का नाम जाप कर रहा है, कोई राम नाम की माला करता है, कोई दान पुण्य कर्म इत्यादि करता ही रहता है, कोई हवन यज्ञ इत्यादि कर रहा है, कोई दिन में 5-5 बार नमाज पढ़ते हैं लोग, कोई कितने ही तरह तरह की भक्ति करते हैं, पर आप अपने आप से पूछिए कि जिस भी मार्ग से मैं चला हूं आज तक, अगर मेरी 30 वर्ष की आयु है और 30 वर्ष से मैं एक मार्ग को फॉलो कर रहा हूं, क्या मुझे मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह, मेरा मालिक मिल गया? अपने आप से यह सवाल करना है, क्या इस मार्ग पे चलते हुए मेरा मालिक मुझे मिल गया? अगर आपको मिल गया है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपके मार्ग को सच्चे हृदय से पूरी समाज के सामने स्वीकार करने को तैयार। अगर आप अपनी अंतरात्मा से हृदय पे हाथ रख के कहें कि इस मार्ग पर मैं 30 वर्ष चला और मुझे प्रभु के दर्शन हुए, मुझे प्रभु की प्राप्ति हुई, और जिसे प्राप्ति हुई है उसे गुरु के मार्ग से प्राप्ति हुई है, गुरु स्वयं ये बात आकर कह देंगे कि बेटा हमें तो इस मार्ग से प्राप्त हुआ है। तो सबसे बड़ी मैच्योरिटी है अपने अंदर के जो कपट है, जो झूठ है, उसको स्वीकार लेना, अपनी कमियों को स्वीकार लेना, कि ये मनुष्य की देह है, इस देह को क्रोध आता है, इस देह में काम वासना उठती है, इस देह में तरह तरह के प्रलोभन जागृत होते हैं, और इसी देह में रहकर उस अल्लाह ईश्वर राम की भी प्राप्ति होती है। केवल इस बात को स्वीकारना इस संसार की सबसे बड़ी मैच्योरिटी। और जो प्रेम को ही नहीं स्वीकार सकते वो ईश्वर को कहां स्वीकारेंगे, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा तपस्या का मार्ग है, उसमें तो पूरी जिंदगी अपनी घुटने रगड़ के चलना पड़ता है तब जाकर के उसकी प्राप्ति हो। एक व्यक्ति मुझे मिला कल, मुझे कहता है भाई तू तो अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, तू तो बहुत पैसे कमा रहा होगा। मैंने कहा भाई आजा तू भी कमा ले। कह रहा है क्या करना पड़ेगा? बाबा बनना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा बन जा भाई, सारे बाबे पैसे कमा रहे, तू भी कमा ले। तो कहने का भाव क्या है, लोगों के अंदर मानसिकता देखो, लोगों की सोच देखो। मैंने उसको कहा यहां पहुंचने के लिए तेरे को बेटा 22 साल तक साधना तपस्या करनी पड़ेगी। अब 22 साल या तो मेहनत कर ले, उसकी उम्र ही टोटल अभी 28 साल की होगी या 27 साल की होगी। 22 साल अगर मैंने अपने जीवन के ध्यान मार्ग को दिए, योग मार्ग को दिए, और सर्वाइवल के लिए मैं कुछ तो करता ही, अगर मैं यहां बैठकर ना बोलता तो मैं कहीं पर कहीं किसी का वजन उठा रहा होता, कहीं मजदूरी कर रहा होता, या किसी होटल में मैं वेटर होता, या मैं किसी बैंक का मैनेजर होता, या मैं कोई एडवोकेट होता, या मैं कोई नेता बन जाता, मैं किसी मंदिर का पुजारी हो जाता, कुछ तो करता ही, रोटी तो मैं खाता ही ना। तो परमात्मा ने आपके भाग्य में, आपकी कुंडली के अंदर आपके कर्म तक लिखे हैं कि आप ये कर्म करोगे,
एस्ट्रोलॉजी में इतना तक आता है कि आप कर्म ही ये चुनोगे, आपको भगवान ने इतना अपने अधीन रखा हुआ है कि आप किसी की हत्या करोगे तो वो भी आपकी कुंडली में लिखा है, पर आपकी हत्या होगी ये भी आपकी कुंडली में लिखा है। पर इस ट्रैप से बाहर कौन निकलेगा? केवल जो साक्षी हो जाएगा, जो परमात्मा स्वयं हो जाएगा, जिसके भीतर अल्लाह राम परमात्मा ईश्वर प्रभु राम कृष्ण वाहेगुरु जिसके भीतर जागृत हो जाएगा। ये मैं सब नाम इसलिए ले रहा हूं कि कोई ये ना कहे कि उस परमात्मा को मेरे गुरु भगवान के नाम से नहीं हुआ है। वो परमात्मा है जो परम आत्मा है, जैसे हम आत्मा है, हमसे जो परे, जो हमसे बहुत विराट, जो इस जगत के एक एक कण में जो स्थित है, वो परमात्मा है। हम उसको अल्लाह कहें, सदगुरु कहें, वाहेगुरु कहें, राम कहें, जीसस कहें, इससे कोई भेद नहीं है। पर इतनी सी बात हजारों सालों से आपके कान में डाली जा रही है, जिसने जान पाया, जिसने समझ लिया, उसने आपको सबको एक ही बात समझाने की कोशिश की है कि पानी और वाटर में कोई भेद है ही नहीं। फिर ये कैसी मूर्खता लेकर चल रहे हो कि मैं पानी कहूंगा, तूने वाटर कैसे कह दिया? ये कैसी बेवकूफी है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और आप अपने आप को इंसान कहते हो, किसी ने सर पे पगड़ी डाल ली, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने चोटी रख ली, और क्या तुम अलग हो गए? ये बात समझ नहीं आएगी क्या किसी को? कितने दुख की बात है, इस छोटी सी बात के लिए हत्याएं हो रही हैं हमारे देश में। अरे कुछ धन दौलत के लिए लूटा होता, किसी स्त्री के पीछे झगड़ा किया होता, किसी जमीन लूट ली होती, तब समझ आता। कुछ छोटा मोटा तुम्हें एक दूसरे को गाली गलौज कर दी होती, उसकी वजह से हत्या हो जाती। अरे एक परमात्मा है, उसको एक अल्लाह कह रहा है, एक राम कह रहा है, बस इतना सा फर्क है, और इसके चक्कर में हत्या हो रही है एक दूसरे की। तो आप सोचो ये कितने बड़े विनाश की तरफ हमारा देश जा रहा है, और कौन इस पर चर्चा करेगा? कौन एक दूसरे को ये सत्य समझाएगा? और जो भी नेता आता है वो अपने धर्म का झंडा उठा के खड़ा हो जाता है। अगर सारे अपने धर्म का झंडा उठा के खड़े होंगे तो झंडों की लड़ाई होगी लास्ट में। कोई ऐसा झंडा तो उठाओ जिससे सारे झंडे एक हो जाएं और एक झंडा बने, किसी एक धर्म का झंडा बने। और अगर कोई शुरुआत करता है तो उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। मैं सारे सारे भाइयों को, बहनों को, सबको कह रहा हूं ताकि सारे इस बात को समझें, सबसे बड़ी मैच्योरिटी क्या है? प्रेम है सबसे बड़ी मैच्योरिटी। खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, इससे बड़ी क्या मैच्योरिटी है संसार में? कौन समझेगा इस बात को? अगर समझता भी है तो कोई आगे किसी को बताता नहीं है, उसको समझाने की कोशिश नहीं करता, कोई अपने मुंह से चार शब्द नहीं बोलता इस बात के लिए। बस किसी ने जय श्री राम बोलना है तो उधर से अल्लाह अकबर की आवाज आएगी, उधर से सरतन से जुदा की आवाज आएगी, बस यही सब नारेबाजी चल रही है। सोशल मीडिया, फेसबुक जब आया था ना, हमारे जब बहुत यंग टाइम में था, मैं जब फेसबुक आया था उस टाइम हम लोग जो फेसबुक को यूज करते थे, वो लड़के लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए फेसबुक को यूज करते थे। आज फेसबुक क्या बन गया है, मैं तो देखता हूँ क्या बन चुका है फेसबुक, और व्हाट्सएप क्या बन चुका है। व्हाट्सएप किस लिए था? एक दूसरे से अपनी कोई खुशी की बात शेयर करनी है, हंसी मजाक शेयर कर सकते हैं, और इसी से ही हम एक दूसरे को भड़काने का पूरा नेटवर्क बना के बैठे। अरे वहां इतने मर गए, पूरे शहर में 5 मिनट में आग की तरह फैलती है बात। व्हाट्सएप को आपके देश में बैन करना पड़ा, इस चीज को सोचो आप। पूरी दुनिया में ऐसी जो व्हाट्सएप का जो फीचर है वो कहीं पर बैन नहीं है, ये फेसबुक और व्हाट्सएप का जो फीचर है सिर्फ आपके देश में बैन है, क्योंकि आपके यहाँ पर धार्मिक सांप्रदायिकता के जो मैसेज होते हैं वो बहुत तेजी से आप लोग आगे वायरल करते हैं। इस वजह से उन्होंने उनका सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है। एक दिन में इतने इतनी बार उस एक ही पोस्ट को शेयर किया जाता था, उन्होंने तंग आके वो फीचर ही बंद कर दिया। अब जो लोगों को मजबूरी में कोई चीज सच में आगे पहुंचानी होती है वो भी नहीं पहुंचा पाते। वो व्हाट्सएप कहता है कि यू कैन ओनली शेयर टू 5 persons। बताओ, अपने हाथ आप हर चीज में स्वयं काट रहे हो, अपने भाई बहनों को मार करके, अपने ही प्रेम की हत्या करके। दुनिया में ये बनना है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैंने अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला लिया, अपने आप की हत्या कर ली, अपनी खुशी की हत्या कर ली। और जिस चीज के लिए धरती में जन्म लिया था, 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटक के, जिस चीज को पाने के लिए, जिस प्रेम को, जिस खुशी को, इस आनंद को जीने के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया था, वही समाप्त करके जा रहे हैं। और आप कहते हो कि हमसे अच्छा कोई समृद्ध इंसान नहीं है, मैच्योर इंसान नहीं, जितना बोलूंगा उतना कम पड़ेगा। फिर आप कहें कि मुझे परमात्मा का पता नहीं है, मेरे को भीतर से कोई प्राप्ति नहीं होती है, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता? कैसे लगेगा? अंदर इतने सारे भूचाल चल रहे हैं,
अंदर से पूरी अतृप्ति है, अशांति है, दुख है, द्वेष है, अंदर कुछ प्राप्ति नहीं हुई है जीवन में, और नकली रिश्ते जी रहे हो, जिनके साथ हो उनके साथ खुश नहीं हो, और जिनके साथ होना चाहते हो उनके साथ हो नहीं सकते हो, ऐसा फेक ड्रामा। किसी की मृत्यु पे कोई जाता है वो कहता है अरे यार वो यार उसकी क्रिया थी, वो तो आया नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, वो मेरे दादाजी की डेथ पे वो नहीं आया था, मैं किस लिए जाऊं, अच्छा मेरी शादी पे नहीं आया था, आया था खाना खा के चला गया, 500 रुपये दे के गया, मैं तो उसकी शादी पे 21,000 रुपये दे के आया था, 11,000 रुपये दे के आया था, इन्हें मेरी शादी पे 1,100 रुपये सगन डाला। ये छोटी छोटी चीजों से, इन चीजों से तुम मैच्योर बनते हो, उसने इतना किया था अब मेरे को डबल करना पड़ेगा यार, अगली बार मेरे 4 बच्चे बैठे मुझे और डबल करना पड़ेगा, वो आया था, एक दूसरे के दुख सुख में पूछने जाते हो तो फॉर्मेलिटी करने के लिए, ये नहीं कि सच में मेरे दोस्त के घर कोई समस्या है मुझे जाके देखना चाहिए, ये भाव नहीं आता है, मजबूरी लेके जाती है कि यार मैं नहीं जाऊंगा तो कैसा सोचेगा अगला। तो ये सब चीजें आपके आज्ञा चक्र को ब्लॉक करके रखी हुई हैं, आपके नाह चक्र को, आपके नाभि चक्र को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखी, और फिर बैठे हैं ध्यान में तो वही दोस्त याद आएगा, तो वही सब चलेगा जो आपने अंदर बसा के रख लिया। जब तक आपका संसार पूरी तरह से शांत नहीं होगा, आपका भीतर का संसार शांत नहीं हो सकता, ऊपर से कितनी साधना कर लो, कितने मंत्र जप कर लो, मैच्योरिटी नहीं आएगी। मैच्योरिटी आएगी भीतर से, जब मन सध जाएगा, जब परम सत्य अंदर से सध जाएगा, जब बाहर की आग बुझा लोगे ना तब भीतर की शांति होगी। और गुरु आपको क्या सिखाते हैं, बाहर आग लगी है लगी रहने दो, उसमें और घी जाता है तो जाने दो, भीतर को शांत कर लो। तो भीतर को शांत करोगे तो बाहर अपने आप शांत कर पाओगे, भीतर से शांत होगे तो बाहर की समझ को देख पाओगे, कि बाहर कई बार आग लग भी जाएगी तो तुम बड़ी शांति से बड़ी समझ के साथ उसको बुझा पाओगे। ध्यान का सिर्फ एक ही यही रहस्य है, ध्यान करने का मतलब केवल इतना ही है, पर तुम समस्या पर ध्यान दोगे तो समस्या बढ़ेगी, समस्या पर ध्यान देने से समस्या ही बढ़ेगी, शांति नहीं बढ़ेगी, शांति पर ध्यान देने से शांति बढ़ेगी, और शांति क्रिएट करनी पड़ेगी, शांति अर्न करनी पड़ेगी, कमानी पड़ेगी, क्यों चलकर नहीं आ जाएगी शांति। एक निर्णय लेने में अगर 5 साल लगा दोगे तो कब जाके मैच्योरिटी प्राप्त करोगे, छोटी छोटी चीजों पर जिंदगी अटका करके बैठे हो, कब आगे बढ़ोगे, कब अपने परम सत्य की प्राप्ति करोगे। अभी तो बच्चों के लिए फ्यूचर की चिंता हो रखी है, अब बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी तो दे दी, अब आगे भी दे दो तो उससे क्या होगा, बच्चे वही 30-35 साल के बाद तुम्हें पता चलता है कि क्या खो दिया बच्चों के लिए, क्या खो दिया अपने परिवार के लिए, क्या खो दिया अपने समाज और रिश्तेदारियों को निभाने के चक्कर में। और जो परम सच्चाई है, जो वास्तविक अपनी खुशी है, वही कहीं दफन हो गई, दफन हो गई, खत्म हो गई, और अगर वो खत्म हो गई तो ध्यान भी खत्म हो गया, ये जीवन में आने का मकसद फिर से खत्म हो गया। अब चलो दोबारा एक लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, फिर दोबारा जन्म लेकर आओ, फिर देखो किस धर्म में जन्म लेना है, कौन सा भगवान अच्छा है, उसके पंडित के घर जाके जन्म ले ले। This is all about maturity. तो ये आप अगर मैच्योर इनफ हो तो मेरी बात आपको समझ आ जाएगी, और अगर अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हाँ क्या बड़ा आया मैच्योरिटी पे ज्ञान देने वाला, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर अपनी आत्मा से बैठकर कमरा बंद करके पूछना एक भी बात गलत है, एक भी बात, ये मेरे 37 साल की उम्र का जो मैंने अंदर से निचोड़ पाया है, ये नफरत और प्रेम हमें सिखाया जाता है, नफरत भी हमें सिखाई जाती है और प्रेम भी हमें सिखाया जाता है, और हमें ड्राइव करते हैं लोग, हमें चलाती है दुनिया, हमें ऊपर कुछ कुछ चंद लोग बैठे होते हैं जो हमारे दिमाग के साथ गेम खेलते हैं और हम उनके शिकार होते हैं। हम नफरत भी, हमें बताया जाता है कि इससे नफरत कर, इससे प्यार कर, इससे नफरत कर, इससे प्यार कर, इस धर्म से नफरत कर, इस धर्म से प्यार कर, ये तेरा अपना है, ये तेरा दुश्मन है, ये तेरा अगेंस्ट है, चाहे वो बेचारा तेरा भाई जैसा तेरे से प्यार करता हो, और उधर उसको भी विपरीत सिखाया जाता है। अब आप दोनों जब कहीं किसी धार्मिक स्थल पर मिलोगे, किसी सड़क पर, किसी चौराहे पर, किसी नेता की रैली में मिल जाओगे, तो वहां तुम एक दूसरे के लिए पत्थर उठा के खड़े हो जाओ, क्योंकि दोनों का माइंड सेट पहले से पूरी तरह से तैयार है, ये टोपी वाला मेरा दुश्मन है, ये पगड़ी वाला मेरा दुश्मन है, ये चोटीधारी मेरा दुश्मन है, वो जानता ही नहीं है एक दूसरे को, बस चोटी देखेंगे और सिर पे टोपी देखेंगे, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सरदार है, ये बौद्ध है, ये जैन है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, कोई इंसान ही नहीं है यहाँ, सब पुतले हमारे देश में, और बाहर के देशों में जाकर देखो
सब अपनी अपनी दुनिया में अपने ही राग में रमे हैं। कितने सांप्रदायिक दंगे सुनते हो तुम बाहर के देशों में। और हमारा भारत जो परमात्मा की सबसे बड़े, इतने बड़े बड़े सनातन के गुरु, अगर तुम धर्म का सत्य ही नहीं फैला सके तो काहे के गुरु तुम। अगर तुम लोगों को ये ही नहीं सिखा सके कि परमात्मा एक है, तुम्हारा सारा शास्त्र जीरो है, सारा शास्त्र जीरो है। जिन जिन पंडालों में जाकर बैठकर ऐसे ऐसे महाराजों के सत्संग सुनते हो ना, जो तुम्हें जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और दूसरों के धर्म के प्रति नफरत सिखाते हैं, तो उनको जाकर के बोलो कि पहले तुम्हारे धर्म में अगर शक्ति है तो वहां से हमारे लिए प्रेम पैदा करके दिखाओ, तब तुम्हारा ज्ञान ज्ञान है, नहीं तो तुमने कुछ भी नहीं पाया। तुमने जितनी मर्जी बाइबलें रटी है, जितनी मर्जी तुमने गीता रामायण पढ़ी हो, जितनी मर्जी भागवत कर लियो, तुमने 1,00,000 बार तुमने राम कथा कर लियो, उस राम कथा का कोई लाभ नहीं है अगर समाज में तुम्हारा भक्त जा करके प्रेम नहीं फैलाता, अगर वो नफरत फैलाता है। एक मुसलमान के दिल में भगवान राम के लिए इज्जत पैदा करके दिखाओ, उस दिन मैं मानूंगा तुम्हें तुम्हारा धर्म में ताकत है। अगर मुसलमान में दम है तो वो हिंदू को अल्लाह के प्रति इज्जत पैदा करके दिखाए, वो असली शक्ति होगी, वो असली ताकत होगी। तुम दोनों एक दूसरे के धर्म के अंदर इज्जत जगा के दिखाओ कि मेरे अल्लाह को कोई सिर कटने के डर से ना माने, प्रेम से माने कि वास्तव में ही वो अल्लाह है, उसकी इबादत करे, उसका प्यार करे, उसको सच्चे हृदय से उसको स्वीकार करके वो झुके, दैट विल बी योर ओरिजिनल मैच्योरिटी, वो तुम्हारे धर्म की असली सच्चाई। और राम के नारे तलवार लेकर के नहीं लगेंगे। राम ने कभी भी तलवार से नहीं कहा था किसी को कि मेरी जय करवा दो। राम ने आचरण ऐसा किया था कि उनकी जय हुई थी। और आजकल तो दुष्प्रचार फैला रहे हैं दूसरे का, अब तो आग इतनी बढ़ा दी है कि अब पानी डालने की गुंजाइश भी नहीं बची, अब तो बस सारा कुछ उठा के एक ही बार डाल दो, राख से ही काम चलेगा, इस स्थिति में पहुंचाने पर लगे और कोई बुझाने का एफर्ट नहीं कर रहा है। कई करोड़ लोग चाहिए इस संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। हर व्यक्ति तक सच जाना बहुत जरूरी है, उस ईश्वर के एकत्व को समझना। जब तक भारत का एक छोटे से छोटा बच्चा भी राम अल्लाह और वाहेगुरु को बराबर नहीं समझेगा, या एक नहीं समझे, या बराबर समझ ले या एक समझ ले, और अगर वो कहे कि नहीं ये अलग अलग हैं, तो फिर तो चलने दो जैसा चल रहा है, फिर तो अंत तुम्हें पता चल ही जाएगा। हर मैच का एक अंत जरूर होता है, या तो विक्ट्री होती है या लॉस होता है, और इतिहास गवाह है कि कौन आज तक जीतता आया है और कौन आज तक हारता आया है। जिसके पास बल है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास एकता है, जिसके पास ताकत है। अब आप तुम देख लो कहाँ तुम्हारे पास एकता है, कहाँ तुम्हारे पास बल है, कहाँ तुम्हारे पास शक्ति है। युद्ध तो फिर तलवार से लड़े जाते हैं, युद्ध कभी जो है अपनी इस धर्म के ज्ञान से और शांति के प्रचार से कभी युद्ध नहीं जीते जाते। अगर युद्ध के लिए, भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि युद्ध के लिए भी फिर तैयार, अगर तुम्हें युद्ध ही लड़ना है तो उसके लिए तैयार भी हो जाओ। पहली तो बात है, भगवान ने शांति का संदेश दिया, भगवान कौरवों को समझा समझा के थक गए, दुर्योधन को कितनी बार समझाया भगवान ने, एकदम से युद्ध की परमिशन नहीं दी थी, बहुत समय लगा था युद्ध तक पहुंचने में बात को, पर युद्ध पहुंचा था, भगवान ने भी समझ लिया था कि अब जो है इस युद्ध को टालना असंभव है। कृष्ण नहीं टाल सके तुम्हारे बेवकूफियों को। उस समय क्या था, उस समय जमीन की लड़ाई थी, दुर्योधन ने क्या बोला था, 5 गांव नहीं दूंगा मैं, पूरा साम्राज्य उसको दे रहे थे, कहता 5 गांव भी नहीं दूंगा, इस जमीन थोड़ी पड़ जाए पांडवों को भागने के लिए। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो फिर उन 5ों ने पूरी कौरव सेना को उड़ा डाला। ये मत सोचो कि हमारे पास बल है, शक्ति है, हथियार है, उसने पूरी की पूरी सेना मांग ली थी। धर्म जहां था वो जीत गया, धर्म ही जीतता आया है और धर्म की ही जीत होगी। अधर्म जीत कर भी अंत में सब कुछ हार जाता है और धर्म का फिर उदय होता है। ये संसार का नियम है, ये संसार जीवित है, इसकी सबसे बड़ी प्रमाणिकता यही है कि धर्म है, ईश्वर है। क्योंकि तुम 5 दिन लगातार नहीं लड़ सकते, 6ठे दिन तुम्हें फिर शांति से पानी पीना पड़ेगा, बैठ करके एक दूसरे को भोजन खिलाना पड़ेगा। कितने दिन लड़ोगे धर्म का युद्ध, 15 साल, 50,000 साल। अब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, देख लेना कितने दिन तक लड़ेंगे। कहीं तो इस धरती का सारा असला खत्म हो जाएगा, कहीं तो जा करके सबके सब शांत हार मान के बैठ जाएंगे, दोनों देश में कहता हूँ परमाणु मार दें एक दूसरे को, पूरी सृष्टि को उड़ा दें, एक मछली भी बच जाएगी ना, वो फिर से सारा संसार पैदा हो जाएगा। पर जिएगा वही जो शांति बांटेगा, जो प्रेम बांटेगा वही जीतेगा। असली मैच्योरिटी को कमाओ, और जो जीवन में जीने आए हो आनंद, अपने वो बच्चे को,
अपने भीतर के जो बच्चा है ना छोटा सा, उसको मरने मत दो। वो जो खेलना चाहता है, जो आनंद जीना चाहता है, प्रेम बांटना चाहता है, उसको बटने दो। और ये समाज की ये छोटी 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 चीजों में, अपनी जिम्मेदारियों में, नकली रिश्तेदारियों में, अपने असल सत्य को, अपने भीतर के उस डिवाइन आनंद को समाप्त मत होने जाने। बहुत लंबा वीडियो हो गया ये, मैं अपने YouTube के व्यूवर्स के लिए तो सच में नहीं बनाता हूँ। जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं केवल जो है अपने साधकों के लिए बनाता हूँ। और जब भी कोई उनका प्रश्न होता है या मेरे जीवन का कोई अनुभव होता है, उस पर बनाता हूँ। क्योंकि जो अभी मेरा व्यूअर है नहीं, जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। जो मेरे 30-35 हज़ार जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये मेरा परिवार है। और इनके लिए जो मेरे भीतर से आता है, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, मैं उन्हीं कमेंट्स को पढ़ करके मुझे लगता है कि इस विषय पर मुझे बोलना चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो मैं अपना सामाजिक दायित्व निभाना चाहता हूँ। और मेरे को लगता है कि धर्म की लड़ाई को ना फैला करके धर्म की एकता का प्रचार किया जाना चाहिए और इंसान के अंदर की जो आग जल रही है उसको समाप्त कर देना चाहिए। और जो शरारती तत्व होते हैं, उनके लिए ऐसे कानून बनने चाहिए इस देश में, जो कि इतने सख्त कानून हो कि कोई भी किसी को धर्म की वजह से हत्या करने के बारे में 50 लाख बार सोचे। इतना कड़ा दंडनीय अपराध उसके जो घोषित होना चाहिए, और उसको इतनी कड़ी से कड़ी ऐसी उन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए कि जो है कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे, क्योंकि अब आपको कानून के नियम के अंदर रहना पड़ेगा, ऐसा नियम आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये आग बुझने वाली नहीं है। तो जो पॉसिबल हो सकता है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है कि सरकार भी कोई एफर्ट करे जिससे कि एकता बने। जहां पर कोई भी नेता जाए और वो सिर्फ हिंदू की बात करे या सिर्फ मुस्लिम की बात करे, और मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम की बात करे, हिंदू की बात ना करे, बाकी धर्म तो अभी है ही नहीं, बाकी तो धर्म गिनती में ही नहीं आ रहे। जब उनकी थोड़ी आबादी बढ़ेगी तो फिर पता चलेगा, वो भी अपना अपने हक की रोटी मांगना जब शुरू करेंगे तब आग और बढ़ने वाली है, अभी कम नहीं होने वाली है। छोटे छोटे 2-4 रिलीजन हैं हमारे देश में जिनको बहुत सस्ते में और बहुत हल्का समझा जा रहा है, और मैं आपको लिख के देता हूँ, वो इस देश की नक्शा बदल देने के लिए तैयार है। जो हमारे सिख धर्म है, ये पूरे देश का नक्शा बदल देने के लिए पर्याप्त है। 1 से 1.25 लाख लड़ने के लिए तैयार है, 1 अकेला 1.25 लाख से लड़ सकता है, ये उनके अंदर जज्बा है। ये मत सोचना कि कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली है और कोई धर्म के नाम पर जो है हमारे गले काट के चला जाएगा। चूड़ियां किसी ने भी नहीं पहनी है। शांति से, प्रेम से, आनंद से, सच्चाई को समझ करके जब हम एकत्व का, प्रेम का संदेश देंगे, और अपनी इस सारी शक्ति को विदेशी ताकतों के खिलाफ जो बाहर से हमारे को तोड़ने का काम करती हैं, इस सारी पावर को वहां लगाएंगे, तब ये संसार हमारा बढ़िया चलेगा, तब हमारा देश दुनिया का सबसे ऊपर देश होगा। और अगर हम यही सब करते रहे, भड़काते रहे, एक दूसरे की मारते रहे, तो दैट्स ऑल, चलता रहेगा। ठीक है, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू, सब एक है नाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार।